हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव। आज मैं फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं क्लास 8 साइंस के चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक्स में। दोस्तों अभी तक सिंथेटिक फाइबर और फैब्रिक्स में हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर्स को समझा, फिर हम लोगों ने रेयन के बारे में समझा कि ये आर्टिफिशियल सिल्क था और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या था। इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली थी दोस्तों। तो सिंथेटिक ये क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर तो है ही है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क। इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क? आर्टिफिशियल सिल्क दोस्तों बोलने का कारण यहाँ पे हो जाता है कि भाई इसको हम लोग ये एक ऐसा सिल्क है जिसको हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं, और इसके बनने की वजह से जो सिल्क के प्राइस में गिरावट है वो कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है ना। सिल्क के प्राइस में गिरावट नहीं कह सकते हैं यहाँ पे, सिल्क का प्राइस तो ठीक है लेकिन उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन हम लोगों को मिल चुका है। यानी कि अगर सिल्क महंगा भी है तो भाई जो जनरल वर्क के लोग हैं उन लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिल्क काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइबर माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो समझिए ये एक एबंडेंट फाइबर भी है, ये काफ़ी रेयरली आपको मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसी वजह से ये महंगा भी है और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, ये भी इसके महंगाई का एक कारण है। लेकिन ज़रा समझिए आप, जो रेयन है, रेयन को तो हम लोग बार बार बना सकते हैं क्योंकि वुडन पल्प की कमी नहीं है हमारे पास। वुडन पल्प को बार बार आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया है, किसी ने अगर नहीं देखा तो पिछला क्लास जाकर के देखें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रेयन का होता क्या है। वुडन पल्प को फिर क्या कर रहे थे हम लोग, एक अल्कलाइन सोल्यूशन से पास करवा करके उसमें से विस्कोस निकाल रहे थे, उसी विस्कोस को हम लोग सिलेंड्रिकल मतलब कि जो होल होता है जिसमें होल वाले सिलेंडर से पास करवा करके कह सकते हैं यहाँ पे होल वाले मेटल सिलेंडर से पास करवा करके उसको फिर उससे हम लोग निकाल रहे थे क्या, तो आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम लोग रेयन बोलते हैं, और फर्दर उसको H2SO4 में भेज देते हैं यान वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? इतनी बातें यहाँ पे हम लोगों ने समझ ली थी। हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज भी समझा उसका, हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन भी समझा। आज हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों नायलॉन के बारे में। आखिरकार नायलॉन क्या है? देखो नायलॉन जो है वो काफ़ी अच्छा सिंथेटिक फाइबर, मैं बोलूँगा ये क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि हम लोगों को कोल, वाटर और एयर से मिलता है। ये सारे क्या है, ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ये सारे क्या है दोस्तों, ये सारे क्या है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। मैं आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी समझाऊंगा। तुम लोग बोलोगे सर कोल वाटर एयर कैसे बना देगा सर नायलॉन, सोचोगे पहले? सोचना नहीं है यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि भाई ये जो आपको मैंने बताया, ये जो दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हम लोग नायलॉन किससे बना रहे हैं दोस्तों, हम लोग नायलॉन बना रहे हैं तो वाटर एयर और कोल। इसको लिख लेते हैं पहले साइड में, है ना, वाटर एयर कोल। अब इन सब को क्या करेंगे हम लोग, इन सभी को हम लोग तोड़ देंगे, इन सभी को हम लोग ब्रेक कर देंगे कुछ केमिकल्स में। किन केमिकल्स में ब्रेक करेंगे? सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे किसमें, तो हेक्सामेथाइलीन डायमीन, हेक्सामेथाइलीन डायमीन। ओके, ये हो जाएगा आपका। और दूसरा यहां पे एडिपिक एसिड, पहला ये दूसरा, ठीक है ना। तो पहले होगा आपका एडिपिक एसिड और दूसरा होगा यहां पे हेक्सामेथिलीन डायमीन। अगर मैं यहां पे, हालांकि ये सब चीजें आप लोगों से थोड़ी सी अपर लेवल है लेकिन समझ जाओगे तो अच्छा है ना। बाद में अगर आप लोगों को समझना ही है, ये चीजें आप लोगों को 12th में पढ़नी है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक बार आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी सी बातें
क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब चलिए समझते हैं इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों। हाँ इन दोनों आप लोग को याद नहीं होगा लेकिन चलिए कोई बात नहीं, C6H10O6, ओके C6H10O6 हो जाएगा आपके एडिपिक एसिड का फॉर्मूला, और यहां पे C6H6O6 हो जाएगा आपके एडिपिक एसिड का फॉर्मूला, और दूसरा यहाँ पे हेक्सामिथाइन डाइएमीन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H16N2, क्योंकि देखिए डाइएमीन है यहाँ पे, डाइएमीन मतलब नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे N2 हो गया और हेक्सामिथाइलीन, ठीक है ना। हालांकि ये सब आप लोगों को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा, ये जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ये नॉमेनक्लेचर का पार्ट होता है, आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं। सिर्फ दोस्तों आप क्या करोगे, याद चलिए समझते हैं इसको। देखिए दोस्तों जो नैलून होता है, सबसे पहले आपको यहां बताया गया है रफली कि इसको वाटर एयर कूल से बनाते हैं, लेकिन वाटर एयर कूल से कैसे, सबसे पहले वाटर एयर कूल को हम लोग तोड़ते हैं, फ्रैगमेंट करते हैं किसमें, एडिपिक एसिड में और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन में। एडिपिक एसिड हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन मैंने लिखा है वहां पे, आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों, मेरे मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन तो यहां पे चाहिए ही नहीं, कंफ्यूजन अगर है तो फिर दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां पे आप लोगों को। सबसे पहले वाटर था हमारा, एयर था और कोल था, इन सभी को हम लोगों ने फ्रैगमेंट किया किसमें, तो सबसे पहले एडिपिक एसिड में और दूसरा यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन में। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन का फॉर्मूला है यहाँ पे C6H16N2 और एडिपिक एसिड का फॉर्मूला आपको यहां हो जाएगा C6H10O6। सिर्फ यहां देखिए आप हाइड्रोजन के पास 6 ज्यादा है और O6 को हटा करके यहां पे सिर्फ N2 कर दिया है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल आप लोगों को बेसिक लेवल से समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ H अगर हाइड्रोजन में यहां पे 6 और बढ़ गए हैं और N2 में N2 या O6 की जगह पे N2 आ गया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो भाई इसी को हम लोग फिर आपस में जोड़ेंगे तो फिर आपको नैलून मिलेगा, जिसको हम लोग नैलून 6-6 बोलते हैं। हालांकि आप लोग नैलून से समझिए, तो नैलून का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवरऑल यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप इसमें से ये देखिए दोनों पाउडर है, मैं आपको पहले बता दूँ, बोलोगे कुछ बोलेगा लोग, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे एसिड, तो मैं यहाँ पे पाउडर से आपको शो किया हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैंने एसिड बोला है तो एसिड ही होगा, लेकिन सिर्फ आपको इमेज दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे पाउडर सब्सटेंस लेकर के आया। अब समझना है हम लोगों को नैलून में और आगे की बातें। अब देखिए हम लोगों ने जैसे रेयन में सबसे पहले रेयन को समझा, रेयन क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझा। अब हम लोग उसी तरीके से नैलून में क्या समझेंगे दोस्तों, उसी तरीके से नैलून में हम लोग इसका प्रॉपर्टी समझेंगे और कुछ एप्लीकेशन समझ लेंगे। इससे हम लोग का नैलून हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को समझना है, सबसे पहले यहाँ हम लोग को समझना है कुछ बातों को, यहाँ पे प्रॉपर्टी समझना है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले यहाँ समझिए आप कि नैलून की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके दिमाग में क्या आती है। आपने अभी देखा कि हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और हमने एडिपिक एसिड को मिला करके क्या बना दिया, नैलून बना दिया, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या आती है आपके दिमाग में, ये कोल वाटर एयर से बन रहा है। जब कोल वाटर एयर से बन रहा है, क्योंकि कोल हम लोगों के एनर्जी का मेन सोर्स है, तो काफी ज्यादा कोल क्या होता है, काफी ड्यूरेबल होता है, तो नैलून को भी वो क्या बनाएगा, काफी ड्यूरेबल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। कोल होता है ड्यूरेबल, तो वो नैलून बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उससे, तो वो क्या होगा, ड्यूरेबल होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो पहले वो क्या होगा बच्चों, ड्यूरेबल होगा। अब दूसरे में रेजिलियंट मतलब होता है लचीला, मैं आपको बता दूं लचीला,
ठीक है ना, लचीला कहिए आप इसको, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये क्या होगा, काफी फ्लेक्सिबल होगा और ड्यूरेबल होगा, काफी फ्लेक्सिबल होगा और ड्यूरेबल होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे समझते हैं। नायलॉन इज एन, अच्छा ये लचीला क्यों होगा ये मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये चीज शायद हमने मिस कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं। ये जो प्रोसेस ओवरऑल दोस्तों हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ये आपसे कोई पूछेगा कि भाई नायलॉन बनाने का आप प्रोसेस बताओ, उस प्रोसेस का नाम बताओ, ये तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, ये बोलोगे कि आप इसमें ऐसा 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 होता है। तो आप जस्ट लाइक कि अगर बारिश कैसे होती है, तो सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, देन कंडेंसेशन होता है। तो फिर आप बोलोगे कि भाई नीचे पानी होता है, पानी काफी ज्यादा अगर गर्म हो जाएगा तो भाप के तौर पर ऊपर चला जाता है, फिर वो बादल बन जाता है, बादल क्या हो जाता है, फिर काफी भर जाएगा बादल अगर, तो फिर वो वर्षा कर देगा, जिसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं या फिर प्रेसिपिटेशन बोलेंगे फर्दर। ओके, तो ये आपने बता दिया कि हाँ इवेपोरेशन से होती है बारिश और फिर कंडेंसेशन होता है, तो ये आपने टर्म बता दिया, उसका नाम बता दिया, लेकिन आपने प्रोसेस भी बताया है ना। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, लेकिन पूरे इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मैं लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, कोई अगर नहीं लिखेगा तो उसको बहुत लात जूते पड़ेंगे यहां पे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्यों दोस्तों? ये दोनों आपको जो ऊपर मोनोमर्स दिख रहे हैं, क्या वो पॉलीमर्स नहीं बन रहे हैं? ये क्या है, ये क्या है, एक मोनोमर नहीं है क्या? एक मोनोमर नहीं है क्या? ये क्या है, मोनोमर नहीं है क्या? ये मोनोमर दो आपस में मिल गया तो एक पॉलीमर बना दिया। अरे आपको जितने भी सिंथेटिक फाइबर देखने को मिलेंगे सब में वही चीज है, सब में पॉलीमर बन रहा है, सब में पॉलीमर बन रहा है। रेन में भी पॉलीमर बन रहा था, रेन में भी क्या हो रहा था, पॉलीमर बन रहा था। कोई दिक्कत नहीं, कैसे नहीं बन रहा था? वुडन पल्प जो था, एक एक यूनिट मिला करके पूरा एक आपका विस्कस नहीं बना रहा था क्या? वो विस्कस फर्दर जा करके रेयन नहीं बन रहा था? रुको, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम। और इतनी बातें तो भाई दिमाग में रखनी ही है कि भाई जितना भी हम लोग रेयन नायलॉन ये सब पढ़ रहे हैं, सब क्या सिंथेटिक फाइबर है, और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, वो उसमें मोनोमर से पॉलीमर बनाते हैं, तो पॉलीमराइजेशन होता है। मोनोमर से पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। अब आइए समझते हैं यहाँ पे नायलॉन के कुछ और प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले हमने समझा कि ये रेजिलियंट होगा, काफी फ्लेक्सिबल होगा, और क्या होगा, ड्यूरेबल होगा, लंबे समय तक चलेगा, ठीक है ना, रेजिलियंट होगा और ड्यूरेबल होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या होगा, एब्रेसिव रेजिस्टेंट होगा। इस पे आपको कोई मैं बोल सकता हूं कि किसी भी तरह का जंग वंग नहीं लगने जा रहा है इसमें, किसी भी तरह का इसमें आपको किसी भी तरीके का कोरोजन वगैरह इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफी ज्यादा ये फ्लुएंटली काम करेगा। इसको हम लोग काफी जगह पे यूज करते हैं, ये मत समझना कि सिर्फ टेक्सटाइल में ही इसको यूज करते हैं, कपड़े बनाने में यूज करते हैं, काफी जगह पे इसका यूज किया जाता है, पता होना चाहिए आपको। मैं बताऊंगा आपको फर्दर। द फैब्रिक इज वाटर रेजिस्टेंट। अब भाई एक बात बताओ, जब ये एब्रेशन रेजिस्टेंस है, जब ये कोरोजन लगने ही नहीं देगा, तो ये वाटर रेजिस्टेंस भी होगा, क्योंकि कोरोजन किससे आता है, पानी से ही आता है ना, तो ये वाटर रेजिस्टेंट भी होगा। और चौथा ये क्या होगा, इसमें स्टेन्स वगैरह नहीं आएंगे, है ना, उसमें क्या होगा, हीट स्टेन्स, हीट, यूवी रेस और केमिकल्स को ये रोकेगा अपने तक आने से। मतलब कि एकदम फुल्ली फर्निश्ड फैब्रिक है ये। कोई दिक्कत आपको नायलॉन समझने में? सबसे पहले ये रिजिलियंट होगा और ड्यूरेबल होगा, दूसरे में ये क्या होगा, एब्रेशन रेजिस्टेंस होगा, तीसरे में क्या होगा, ये वाटर रेजिस्टेंट होगा। इन दोनों को टर्म को आप एक में जोड़ लो। अगर ये एब्रेशन रेजिस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है ये वाटर रेजिस्टेंट भी होगा।
एक और जोड़ लो इसमें, अगर ये वाटर रेजिस्टेंट होगा तो ये स्ट्रेंस को नहीं लगने देगा, दूसरे में ये हीट को नहीं अपने तक आने देगा, तीसरे में ये यूवी रेज को अपने तक नहीं आने देगा, और चौथे में यहाँ पे किसी भी तरह के केमिकल्स का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नैलून में? कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक नहीं है। हम लोग अब आगे समझते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने नैलून के, तो नैलून के कुछ एप्लीकेशंस देख लो। देखो सबसे पहले अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूँ, ठीक है ना, तो इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है स्पोर्ट्स वियर में। जिस तरीके से अगर आप लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह पर जाते होगे तो आप लोग ट्रैक सूट पहनते होगे, या फिर आपके पापा या आपकी मम्मी जाती होंगी मॉर्निंग वॉक पर तो वो दिखते होंगे आप लोग कि वो ट्रैक सूट पहन रही हैं। अधिकतर ये ठंड के दिनों में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर आप जो ट्राउजर्स पहनते हो इसका यूज़ किया जाता है, ट्रैक पैंट्स बोलते हैं जिनको हम लोग। ये देखिए है ना ट्रैक सूट, इसका यूज ट्रैक सूट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। क्यों? तो क्योंकि इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यूज होता है, इसमें किसी भी तरीके का आपको कॉटन नहीं मिलेगा, है ना, बहुत अगर होगा भी तो काफ़ी कम क्वांटिटी। दूसरा इसको नट्स और बोल्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। एक प्रॉपर्टी याद आया, एब्रेशन रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंस है, स्ट्रेन नहीं लगने देगा, आपका हीट रेजिस्टेंस है, किसी भी दूसरे केमिकल का इस पर असर नहीं होगा। और नट्स में हम लोग को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है कि उस पर वाटर का असर ना पड़े, चाहिए होता है ना, उस पर एब्रेशन रेजिस्टेंस हो वो, है ना, वाटर का असर नहीं पड़े, मतलब कि वो नट को, नट में हम लोग को क्या चाहिए सबसे पहले, वो वाटर रेजिस्टेंट हो, जो भी उसमें मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो क्या हो, वाटर रेजिस्टेंट हो। दूसरा क्या हो, एब्रेशन रेजिस्टेंट हो, एब्रेशन रेजिस्टेंट हो, जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या हो, क्या हो वो एब्रेशन रेजिस्टेंट हो। कोई दिक्कत? इसको बेयरिंग्स में भी यूज़ किया जाता है, जो गाड़ियों में बेयरिंग्स होती हैं इसके वजह से चक्का घूमता है फ्रीली, उसमें यूज़ किया जाता है, तो भाई उन चक्कों को भी तो जाना पड़ता है पानियों में। देर पुलीज, गेयर्स, क्लिप्स, ये सब क्या है बच्चे, ये सब आपके प्रोफेशनल टूल्स हैं कुछ, तो उन सब में क्या चाहिए होता है, वाटर रेजिस्टेंट हो, एब्रेशन रेजिस्टेंस हो, तीसरा ड्यूरेबल हो, अच्छे समय तक चले बिना किसी दिक्कत के। एक और महत्वपूर्ण चीज, पानी से बचा लिया, इसको हवा से बचा लिया, इसको हीट से भी तो बचाना है, तो वो हीट रेजिस्टेंट भी हो। तो ओवरऑल अगर हम नैलून की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नैलून सिंथेटिक फाइबर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर होता है। इससे जो हम लोग रोप्स बनाते हैं ना, रोप्स हम लोग रस्सियाँ ही बनाते हैं, वो जो आप देखते हो प्लास्टिक वाले रोप्स आते हैं वो भी बनते हैं इनसे, ठीक है। देन यहाँ पे बैग देख लो आप, जो बैग्स आप लोग लेके जाते हो तो वो सब भी इसी से बनाया जाता है, ठीक है। और भी वाटर प्रूफ क्लॉथिंग जिसको हम रेनकोट बोलते हैं, तो भाई रेनकोट भी इससे बनाए जाते हैं। तो और ओवरऑल आप यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस इसके देख सकते हो कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। देखो एक टेंट आपके सामने आएगा, सामने टेंट्स, देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका, ऑटोमोबाइल सेक्टर को यहाँ पे निपटा लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर को यहाँ पे निपटा लो। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहाँ कहाँ यूज होगा, सबसे पहले शुरू से चक्के से शुरू करो, चक्के में बेयरिंग होती है, ठीक है, उसके बाद गियर होता है, किसी भी बाइक में, बाइक को ले लो ना, सबसे पहले क्या होगी उसमें बेयरिंग होगी, फिर उसमें क्या होगा गियर होगा, गियर में आसपास में नट्स वगैरह होंगे तो नट्स भी आ गए, और क्लिप्स भी होते हैं तो भाई क्लिप्स भी आ गए। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर इधर कंप्लीट, टेक्सटाइल सेक्टर इधर कंप्लीट, और बाद में बैग एक हो गया, तो बैग कौन पूछ रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ग्लव्स वगैरह जो बनते हैं, ओवरऑल आप जितना देखो ना थोड़ा सा किसी भी कपड़े में, जो भी कपड़े आप पहनते हो उसमें जो प्लास्टिक आपको जहाँ जहाँ दिखेगा, प्लास्टिक इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, जहाँ जहाँ आपको प्लास्टिक दिखेगा वो सारा कुछ क्या है, यही है। और जो शर्ट जीन्स शर्ट हो गया आपका, चीनोज वगैरह हो गए, वो सब रेयन। कोई दिक्कत? तो नैलून में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, यहाँ पे हो जाता है आपका नैलून समाप्त। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।